हमारी मेन कैरेक्टर फैमिली के साथ एक नई सिटी में मूव होती है। वहाँ पर जब वो अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ उसका अफेयर हो जाता है। इस सब के पीछे कुछ राज छिपे थे। कैसे सब से वो बच पाएगी, ये हम आज के हमारे मूवी ऑब्सेशन 2015 की एक नीदरलैंड की मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर सिमोन को अरेस्ट होता देख सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ था, यह हमें एक फ्लैशबैक में 6 महीने पहले पता चलेगा। सिमोन और उसका हस्बैंड जिसका नाम है एरिक, अपने बच्चों को लेकर एक नई जगह पर मूव हो रहे थे, क्योंकि सिमोन की मदर की डेथ हुई थी। मरने से पहले उसने सब कुछ सिमोन के नाम पर कर दिया था। सिमोन ने अपनी मदर से ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं रखी थी, क्योंकि उसकी मदर जब वो छोटी थी तभी उसे छोड़कर चली गई थी। किसी और के साथ अफेयर की वजह से एक अलग ही कंट्री में जाकर वो रह रही थी। सिमोन ने हमेशा अपनी मदर को हेट किया था, तो इस वजह से कभी उसके घर पर गई भी नहीं थी। ये घर जब वो देखती है तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। एरिक ने कहा कि हम पूरे घर को रिन्यू कर लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शाम में सिमोन बच्चों को नहलाना चाहती थी और बहुत ही खराब पानी आ रहा था। वो सप्लाई स्टोर पर जाती है पर उसे वहाँ की उतनी ज़्यादा लैंग्वेज आती नहीं जो फ्रेंच थी। सिमोन डच जानती थी। घर पर बहुत सारे काम करने के लिए उसे वर्कर की ज़रूरत थी, तो उस आदमी ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे पास येलो पेपर्स होंगे, वहाँ पर तुम्हें सब वर्कर्स की लिस्ट मिल जाएगी। सिमोन ने कॉल करने की तो बहुत कोशिश की थी पर किसी से भी कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा था। इसके बाद वो ग्रोसरी लेने के लिए शॉप पर आए। शॉपिंग करते हुए एक बहुत ही हैंडसम लड़का जिसका नाम है माइकल उसके पास आ जाता है। वो उसके बहुत करीब आकर कहता है कि ये ब्रांड अच्छा नहीं है, दूसरा ब्रांड यूज़ करो। माइकल के जाने के बाद सिमोन ने जब अपने बच्चों को देखा तो उसकी बेटी उसे मिल नहीं रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, हर जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। बाहर आने पर उसे बुरे बुरे ख्याल आने लग गए। तभी एक आदमी उसकी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है। इसका नाम था पीटर और यह भी डच लैंग्वेज जानता था। सिमोन उससे कुछ भी बात ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो घर पर आई तो एरिक ने पानी का काम कर दिया था, अभी भी कोल्ड शावर आ रहा था। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके सब कुछ मैनेज कर रहे थे। एक दिन सिमोन अपने बच्चों को नए स्कूल में लेकर जाती है। वहाँ पर उसने एक मदर को गाड़ी में रोते हुए देखा। शाम में सब फैमिली एक जगह पर डिनर के लिए आते हैं। सब लोग उन्हें ही घूर रहे थे। ये एक छोटा टाउन है और सब लोगों को सबके बारे में यहाँ पर खबर होती है। एरिक और सिमोन ने बात की कि घर का काम करने के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे खेलने लग गए थे। ज़रा शोर हुआ तो वेट्रेस ने कहा, तुम्हें अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ के लोग इनके आने से ज़्यादा हैप्पी नहीं थे। सिमोन की बेटी गायब हो जाने पर जिस आदमी ने उसे ढूंढा था वही आदमी इनके पास आकर बैठ जाता है। सिमोन ने कहा कि मैंने आपसे थैंक यू भी नहीं कहा। यह आदमी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल था और सब लोगों को कंट्रोल कर सकता था। इनके बच्चों को फिर से खेलने की परमिशन वो दे देता है। इनकी बातें हुई और पीटर को पता चला कि इन्हें वर्कर्स की ज़रूरत है। पीटर कहता है कि मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अब तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो उनका घर देखने के लिए आया और सारी चीज़ों को लेकर प्लान करता है। वो देखता है कि सिमोन के पास अब बहुत सारी लैंड थी। उसे आइडिया आया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर वो हाउसेस सेल कर सकते हैं। यहाँ पर ठंडी बहुत थी तो फायरप्लेस कैसे यूज़ करते, ये भी उसने उसे सिखा दिया। इन सब बातों की वजह से सिमोन और एरिक ज़रा रिलैक्स हुए थे। सिमोन अपनी मदर का पुराना टेबल घर से बाहर निकाल रही थी। वो नीचे गिरा तो मदर की कुछ पुरानी चीज़ें उसे मिल जाती है। सब कुछ मूव इन करते वक्त कंस्ट्रक्शन वर्कर में से एक वर्कर ने उसे हेल्प की। सिमोन ने जब देखा तो वह माइकल ही था। उसे देखकर वो सरप्राइज थी। सिमोन को अच्छा खाना बनाना आता नहीं था तो फ्रोजन फूड लेकर उसी को हीट अप कर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दे दिया। ये खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फायरप्लेस के लिए लकड़ियाँ तोड़ने में सिमोन को ज़रा तकलीफ हो रही थी। माइकल उसके पास आया और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके करीब गया, सिमोन के हाथ अपने हाथों में लिए और उसके बाद उसे सिखाता है। ये दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। इस तरीके से माइकल का फ्लर्ट करना सिमोन को भी अच्छा लग रहा था। अगले दिन सिमोन जब अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी तो उसके बेटे को वहाँ की स्कूल अच्छी नहीं लगती। वहाँ के कुछ लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। घर आने के बाद बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करती है। अपनी मदर की ओल्ड फोटोग्राफ्स वो देख रही थी। उसकी मदर ने उसकी बचपन की हैंड राइटिंग, नोट्स, ये सब कुछ संभाल कर रखी थी। वो भी रियलाइज़ करती है शायद उसकी मदर भी उसे बहुत प्यार करती थी। रात में सिमोन ने एरिक से कहा कि शायद हमारे बेटे को कोई बुली कर रहा है। एरिक कहता है कि ये तो सब चलता ही रहता है, उन्हें स्कूल में ज़रा कम्फर्टेबल होने के लिए 1 साल तो लग ही जाएगा। ज़्यादा वरी मत करो, हम पहले सेटल हो जाते हैं। एरिक पहले भी बहुत ज़्यादा काम करता था और कंस्ट्रक्शन में अब बिजी हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद सिमोन चाहती थी कि एरिक अपनी फैमिली को टाइम दे, पर ये वो कर नहीं रहा था। रात में दोनों मिलकर पीटर के साथ हैंगआउट कर रहे थे। जब सिमोन और पीटर अकेले थे तो पीटर कहता है कि तुम जो भी सब खाना बनाती हो ये एक्चुअल खाना नहीं होता, बच्चों की हेल्थ के लिए सही नहीं है।
सिमोन ने पूछा, क्या तुम्हारे खुद के बच्चे हैं? पीटर कहता है कि मेरा एक स्टेप सन है। बातों बातों में एरिक पीटर से कह देता है कि सिमोन के मदर के मरने के बाद उसे $200,000 मिले। सिमोन को बात अच्छी नहीं लगती। अगली सुबह वो खाना बनाने का ट्राई कर रही थी। कंस्ट्रक्शन में सारे पैसे सिमोन के ही खर्च हो रहे थे और वो ज़्यादा कुछ भी सवाल नहीं पूछती। एरिक और पीटर मिलकर घर के रिनोवेशन में चेंजेस करने लग गए, जो इनका प्लान भी नहीं था। शाम में सिमोन लकड़ियाँ लेकर जा रही थी तो उसके पीछे पीछे माइकल आता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। जब वे दोनों अकेले थे तो उसे टच करने लग गया। इसके बाद वो चला जाता है। इस सब से सिमोन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसका कुकिंग पर ध्यान नहीं था तो सब कुछ जल जाता है। माइकल ने उसे इनकरेज करने के लिए वही सब खा लिया। एक वीकेंड पर सिमोन एरिक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर एरिक भी काम कर रहा था। इस बात को लेकर इनमें थोड़ा सा झगड़ा होता है तो एरिक ने कहा कि हम सब मिलकर टाउन में चलते हैं। ये टाउन में गए पर एरिक की मीटिंग पीटर के साथ थी तो वो भी उनके साथ आता है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल भी मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर पीटर के हाथों में एकदम सही सलामत है। अकेले में पीटर सिमोन के साथ बात करता है। उसने कहा कि अब तुम्हारे घर का रिनोवेशन चल रहा है, इसी के साथ साथ तुम्हारी जो लैंड है वहाँ पर हमें घर बांधने चाहिए। अगर हमने इस काम को अभी स्टॉप कर दिया तो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली धमकी की तरह ही था। मूवी में प्रीवियसली हमने देखा था कि स्कूल के बाहर एक मदर रो रही थी। वो सिमोन के पास आई और उसने कहा कि पीटर के साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखना। पीटर के जो भी प्लान थे इसे लेकर सिमोन एरिक के साथ बात कर दिया। उसने पूछा कि ये सब चल क्या रहा है। एरिक कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगले दिन सिटी में जाकर कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान लाना था। एरिक जरा बिजी था तो सिमोन से कहता है कि तुम माइकल के साथ जाकर वो सब लेकर आओ। सिमोन पहले तो जरा कतराती है, उसके बाद उसके साथ चली गई। इनका सप्लाई शॉप बंद था तो माइकल सिमोन को एक ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आता है। लेक के पास कैफे में हैंग आउट करते हैं। माइकल ने कहा कि आजकल तुम क्या चाहती हो। सिमोन कहती कि मेरे बच्चे हैप्पी रहे, सिर्फ मैं यही चाहती हूँ। माइकल ने कहा कि ये भी तुम अपनी फैमिली के लिए चाहती हो, तुम खुद के लिए क्या चाहती हो। इसके बाद उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है। रात में सिमोन माइकल के बारे में सोच रही थी। उन बंगलोज को लेकर सिमोन फिर से एरिक से बात करने की कोशिश करती है पर एरिक उसे टाल देता है। एक दिन अचानक से एरिक को मैसेज आया कि उसकी मदर को स्ट्रोक आ चुका है, उसे कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और बच्चों के स्कूल की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी थी तो सिमोन अकेली ये सब मैनेज नहीं कर सकती थी। एरिक ने कहा कि तुम्हारी सिस्टर को बुला लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एरिक के जाने की वजह से सिमोन के बेटे को रात में बुरे सपने आते हैं तो बीच में उठ जाता है। बाद में सिमोन की सिस्टर यहाँ पर आके उसने घर देखा और कहा कि बहुत बड़ी मेस है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में वो माइकल को देखती है और उसे भी वो बहुत अच्छा लगा था। एक रात सिमोन की सिस्टर बच्चों को कहानी सुना रही थी और सिमोन शावर ले रही थी। शावर लेते हुए माइकल उसके पास पहुंच जाता है। माइकल ने कहा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। सिमोन की बेटी को डर लगने लग गया था तो उसे आवाज़ देती है। सिमोन जब बाहर आकर ऊपर जा रही थी तो सिमोन की डॉटर माइकल को भी बाथरूम से बाहर आता देख लेती है। अगले दिन सिमोन और उसकी सिस्टर का टाउन में कुछ काम था। ये निकल ही रही थी तो माइकल इनके पास आ जाता है। वो सिमोन से कहता है हमें कुछ सप्लाईज लेने हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सब टाउन में आए तो सिमोन अपनी सिस्टर से कहती है कि हमें सप्लाई लेने के लिए जाना पड़ेगा, तुम एक दो घंटे यहीं पर ज़रा टाइम पास करो। इसके बाद माइकल सिमोन को अपने घर पर लेकर गया। वहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो हमेशा माइकल के बारे में ही सोचती है। एक रात जब वो शावर ले रही थी तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आया। लगता है कि शायद वो माइकल है। इस आवाज़ को उसने फॉलो किया तो वहाँ पर पीटर था। पीटर कहता है कि एरिक ने मुझे घर पर नज़र रखने के लिए कहा हुआ था, मेरे घर पर पार्टी है तो तुम भी आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काम करते वक्त भी माइकल सिमोन के पास आ जाता है। माइकल के फ्रेंड ने बात नोटिस कर ली थी। एक दिन सिमोन ने नोटिस किया कि माइकल के पैर पर चोट है। माइकल कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब हमारे घर पर आग लगी थी, इसी आग में उसकी मदर की डेथ हो गई, उसे चोट आई थी। कुछ दिन बीत गए और एरिक वापस आ गया। अब जब सिमोन की सिस्टर जा रही थी तो उसने कहा कि मैं अंधी नहीं हूँ, तुम्हारे और माइकल के बीच में जो भी चल रहा है इसके बारे में मुझे पता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे हस्बैंड को भी पता चलने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इस बात से सिमोन डर गई थी, अपनी फैमिली को लूज़ नहीं करना चाहती थी। उसने माइकल से कहा अब हमें ये सब स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से मेरे घर पर काम करने के लिए मत आना। एरिक बच्चों से जब बात कर रहा था तो डॉटर कहती है कि रात में मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। एरिक कहता है कि मदर कहाँ थी। डॉटर ने कहा कि मदर माइकल के साथ शावर में थी। सिमोन कहती कि हम नल फिक्स कर रहे थे। एरिक को यह बात ज़रा वियर्ड लगती है। अगले दिन माइकल फिर से सिमोन के घर पर काम करने लग गया था। सिमोन पूछती कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। माइकल कहता है कि यह सब कॉन्ट्रैक्टर पर होता है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट सीन में ये सब जब डिनर कर रहे थे तो पीटर सिमोन से कहता है अब हमें हाउसेस का काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसे सिर्फ लैंड देंगे, सब प्रॉफिट वो शेयर करने वाले थे। पर सिमोन को आइडिया अच्छा नहीं लगता, वो पीटर पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती। उसे अभी डिसीजन लेना था तो सिमोन इसके लिए स्ट्रिक्टली मना कर देती है। ये बात एरिक को अच्छी नहीं लगती और सिमोन से उसने बात की। सिमोन ने कहा कि हमें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने कहा था कि फैमिली के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है और तुम ये सब काम नहीं कर सकते। एरिक ने कहा कि मैं सब कुछ हमारी फैमिली के लिए करता हूँ, काम भी मैं उसी की वजह से करता था, तुम्हारा हम सब पर तो ध्यान भी नहीं होता। इस बात की वजह से सिमोन को बहुत ही बुरा लगा, माइकल के साथ अफेयर करने की वजह से उसे गिल्ट भी थी। इस सब को लेकर वो एरिक को सॉरी कहती है। और इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका था, एक दिन अचानक से सिमोन को नॉशियस लगने लग जाता है। उसने टेस्ट की तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा माइकल का था, इसे वो रख नहीं सकती तो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी कंट्री में कुछ भी चलता होगा पर इस कंट्री में हम एबॉर्शन नहीं करवाते। एक दिन पीटर ने फिर से सिमोन से बात की, पूछा कि क्या हम बंगलोज नहीं बनवाने वाले। सिमोन इसके लिए मना कर रही थी तो पीटर ने अपने मोबाइल में माइकल और सिमोन की फोटोज दिखाए। ये साफ साफ सिमोन के अफेयर का प्रूफ था। उसे कहता है कि एरिक एक बहुत ही अच्छा आदमी है, उसे यह सब नहीं पता चलना चाहिए। इस ब्लैकमेल की वजह से सिमोन कंस्ट्रक्शन के लिए मान जाती है। सबने मिलकर फिर सेलिब्रेशन किया। एक रात पीटर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। पार्टी में सिमोन पीटर का घर देखती है तो वहाँ पर माइकल की तस्वीर लगाई हुई थी। उसे पता चला कि पीटर माइकल का स्टेप डैड है। उसने फिगर आउट कर लिया कि पीटर और माइकल ने मिलकर ये प्लान बनाया था। मूवी के फर्स्ट में हमने एक मदर को स्कूल के बाहर रोते हुए देखा था, वो सिमोन के पास आती है। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्पेशल हो, यही चीज़ माइकल और पीटर ने मिलकर उसी के साथ भी की थी। पार्टी में सिमोन माइकल से टकराए और डिस्टर्ब होकर वहाँ से भागने लग गए। माइकल भी उसके पीछे पीछे आता है। सिमोन ने कहा कि तुम्हारी गेम्स की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था। ये सब चीज़ें पीटर सुन लेता है, अब उसे भी पता था कि सिमोन प्रेग्नेंट है। अगले दिन पीटर ने सिमोन को कॉल कर कहा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, प्लीज़ माइकल के बेटे को मत गिराना। सिमोन घर पर आए तो पीटर उसे मिलने के लिए आया हुआ था। वो डर कर सब कुछ अब एरिक को बताना चाहती थी और पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है। एरिक ने ये सब सुन लिया तो पीटर ही एरिक को सब कुछ समझा देता है। यहाँ पर माइकल भी पहुँच चुका था। पीटर ने सिमोन से कहा कि अब हम फैमिली है, तुम्हारे पेट में मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो सिमोन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। उसने उसे ज़ोर से पुश किया तो एक एक्स उसके सर पर लगकर वहीं पर पीटर की डेथ हो जाती है। यहाँ पर माइकल भी था तो सब मिलकर इसे कवर अप करने का डिसाइड करते हैं। बॉडी लेकर ही पीटर के घर पर आए और वहीं पर उसे छुपा देते हैं। घर के बाहर माइकल के फ्रेंड ने इन्हें देख लिया। इस इंसिडेंट के बाद सिमोन और एरिक बात नहीं कर रहे थे। एक दिन सिमोन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। जेल में जहाँ पर सिमोन को रखा था उसी के नेबर में माइकल भी था। माइकल ने कहा कि पुलिस को कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ देख लूँगा। अगले दिन सिमोन को छोड़ दिया जाता है। माइकल ने कन्फेस किया था कि सब कुछ उसने किया है, वो सिर्फ चाहता था कि सिमोन उसके बेटे का अबॉर्शन ना करे। इस सब से सिमोन बच गई थी, उसे अपनी फैमिली फिर से वापस मिल जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।